हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग डेटा कलेक्शन या टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ेंगे। सी, हम लोग किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग ने देखा कि रिसर्च प्रॉब्लम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि रिसर्च डिजाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम किया जाता है, कौन से टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, सैम्पलिंग हम लोग ने देखा, और अभी ये सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, जो है डेटा कलेक्शन। नो, डेटा कलेक्शन क्या होता है? तो डेटा कलेक्शन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। मतलब हमको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। और बेसिकली ये जो डेटा होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। तो इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और प्राइमरी डेटा के क्या क्या सोर्सेस होते हैं या कहाँ कहाँ से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और प्राइमरी डेटा के लिमिटेशंस क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्राइमरी डेटा जो होता है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, उसका स्पेसिफिक जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ये जो डेटा होता है ये प्योर डेटा कहलाया जाता है, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस नहीं किए गए हैं। मतलब ये डेटा पहले किसने कलेक्ट नहीं किया है और उसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं किया या उसका एनालिसिस नहीं किया है, और ये डेटा जो है पूरी तरीके से ओरिजिनल होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सेंसस का जो डेटा होता है तो 10 साल में एक बार गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करता है, तो वो जो सेंसस का डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे प्राइमरी डेटा बोल सकते हैं। नाउ ये डेटा जो होता है ये रॉ फॉर्म में होता है, बिकॉज रिसर्चर क्या करते हैं कि इंटरव्यू के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा या क्वेश्चनर के द्वारा ये डेटा कलेक्ट करके लाते हैं और फिर बाद में ये डेटा को प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग करना मतलब वो डेटा को एडिटिंग करना, ताकि उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स है, एरर्स है, उसको रेक्टिफाई कर पाए। फिर वो डेटा को कोडिफाई किया जाता है, कोड्स दिए जाते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल या इनकम वाइज या एजुकेशन वाइज उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और फाइनली वो डेटा को फिर टैबुलेशन किया जाता है, ताकि वो डेटा का एनालिसिस करना इजी हो जाए। तो प्राइमरी डेटा जो होता है रॉ फॉर्म में होता है और उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। नाउ ये जो प्राइमरी डेटा होता है काफी रिलायबल होता है, बिकॉज रिसर्चर खुद उसको कलेक्ट करते हैं और उनको जो डेटा चाहिए उस टाइप के वो क्वेश्चन पूछ के वो डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। तो खुद रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया है तो इसके लिए ये डेटा जो है रिलायबल है, और ये इंक्वायरीज के लिए काफी सुटेबल होता है। इंक्वायरीज का मतलब क्या होता है? किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना, या किसी का एटीट्यूड जानना किसी पर्टिकुलर चीज के तरफ, या फिर हम लोग को किसी का प्रॉब्लम या इश्यू वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए ये जो पर्टिकुलर प्राइमरी डेटा होता है वो सुटेबल होता है। उसके लिए सेकेंडरी डेटा यूज नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और इसमें काफी ज्यादा टाइम और मनी ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरी डेटा के अपने कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अभी हम लोग देखते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग कौन से मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का। ना, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो रिसर्चर जो होता है यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनके पास से डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन वो डेटा जो होता है वो इंटरव्यू लेके या बातचीत करके नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई भी रिसर्चर है उसको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनका न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट क्या है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, किसी भी कॉलेज के लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ पे वो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गर्ल्स या बॉयज कौन ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करता है, फिर वो लोग न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बाद में न्यूज़पेपर में अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, एंटरटेनमेंट के या बॉलीवुड के न्यूज़ होते हैं, या दूसरे जनरल टाइप के न्यूज होते हैं, तो कौन सा सेक्शन वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये सब चीजों को यहाँ पे वो जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके उसको वो क्या करते हैं, फिर अपने जो भी नोटबुक है उसके अंदर उसको नोट डाउन करके लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बिना किसी बातचीत किए या बिना किसी इंटरव्यू के सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर सपोज हमको फाइंड आउट करना है कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप के गुड्स परचेस करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, मार्केट प्लेस में जाएगा, वहां पे वो खड़े रहेंगे और जो भी कंज्यूमर्स आएंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो लोग क्या गुड्स परचेस करते हैं, किस तरीके से गुड्स परचेस करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं, प्राइस वगैरह कितना पे करने के लिए रेडी होते हैं, कौन से टाइप के गुड्स वो लोग खरीद रहे हैं। तो ये सब चीजों को ऑब्जर्व करके डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। नाउ यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसके एडवांटेजेस क्या है? तो पहले तो इसमें कोई भी रिस्पोंडेंट का बायसनेस नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रिस्पोंडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है इसके बारे में शायद उनको अवेयरनेस भी नहीं होगा, तो
वो जो रिस्पोंडेंट है वो नेचुरली बिहेव कर रहा है, नेचुरली बिहेव करने की वजह से हम लोग करेक्ट डेटा उनके पास से कलेक्ट कर पा रहे हैं। जब हम लोग उनको क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चनर देते हैं फिलअप करने के लिए, तो शायद तक वो हम लोग को बायस डेटा दे दे या रॉन्ग डेटा दे दे, पर यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे बायसनेस नहीं है, बिकॉज हम जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में उसका अवेयरनेस नहीं है इसकी वजह से। नाउ सेकेंड बेनिफिट यहाँ पे ये यह है कि मल्टीपल रिस्पॉन्डेंट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, तो उसके वजह से रिसर्चर का यहाँ पे टाइम मनी और एनर्जी ये सब बच रहा है। बिकॉज जब इंटरव्यूज वगैरह हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एट ए टाइम हम लोग एक पर्सन का इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लोगों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके बारे में जो भी उनका बिहेवियर है वो नोट डाउन करके ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम मनी और एनर्जी सेव हो रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज है। तीसरा है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, बिकॉज इंटरव्यू में या क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, रिस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उनके टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको मिलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे होता नहीं है। जो भी हमारे सामने पर्सन आता है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में यहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो रिलायबल और एक्यूरेट होता है, बिकॉज हम खुद ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उस बेसिस पे ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, इसके लिए डेटा को हम लोग रिलायबल भी बोलेंगे और एक्यूरेट भी बोलेंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन का वो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। काफी बार क्या होता है कि हमको जो बिहेवियर ऑब्जर्व करना है वो बिहेवियर एग्जिबिट नहीं होता है या उसके लिए रिस्पोंडेंट काफी ज्यादा टाइम लगाता है, तो इसके वजह से यहाँ पे टाइम का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, रिसर्चर का काफी ज्यादा टाइम ये मेथड में जाता है। ये एक्सपेंसिव भी है, बिकॉज इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है, कॉम्पिटेंट स्टाफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करके उसका प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन करके उसको नोट डाउन करना, इसके लिए काफी ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, तो उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो ये अगेन एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है। यहाँ पे इनडेप्थ इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता है, जो भी बिहेवियर दिखता है उसको सिर्फ रिसर्चर नोट डाउन करता है, पर अगर सपोज कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को डिटेल में जाननी है तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ क्या होता है कि इंटरव्यू मेथड में हम लोग लोगों से डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। और लास्ट वाला यहाँ पे है कि रिसर्चर जो कभी कभी इसमें बायसनेस कर सकते हैं, वो जो है वो कुछ जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो खुद के जजमेंट के हिसाब से लिखते हैं, उनको जो फील हुआ उनको जो लगा वो उन्होंने लिखा है, शायद तक वो बिहेवियर जो है वो अलग हो सकता है, तो यहाँ पे रिसर्चर का कभी कभी बायसनेस भी हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें पहला है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, मतलब कितना टाइम एक पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए अलॉट करना है, कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब पहले से डिसाइड किया रहता है और उसके हिसाब से फिर ऑब्जर्वेशन करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, ये नॉन प्लान्ड होता है, यहाँ पे कितना टाइम अलॉट करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, ये सब यहाँ पे प्री प्लान्ड किया जाता नहीं है। नाउ सेकेंड मेथड इज डिस्टिंग्विश्ड एंड अनडिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन। पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे रिसर्चर जो है वो जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके साथ उनके एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट करते हैं, मतलब वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को भी कंसील करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी कंसील करना मतलब क्या, वो क्यों उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, वो सब जो होता है वो उनको बताते हैं। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स को पता है कि ये रिसर्चर है और ये हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जो अनडिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन होता है, वहां पे रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन उनको अपनी आइडेंटिटी कंसील नहीं करता, मतलब वो कौन है वो नहीं बताते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी रिस्पोंडेंट्स है वो नेचुरली बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन में शायद ऐसे हो सकता है कि उनको पता है कि वो जो रिसर्चर उनको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो नेचुरली बिहेव ना कर पाए, तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश्ड और अनडिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं। डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, उनका पर्पस बताते हैं, अनडिस्टिंग्विश्ड के अंदर वो अपना पर्पस बताते नहीं है। फिर तीसरा है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कोई भी मशीन जो होते हैं उसको यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा यूज किए जा सकते हैं, पहले टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप वगैरह ये सब यूज किए जाते थे। ये मेथड जनरली कब यूज किया जाता है, जब भी रिसर्चर को फिजिकली प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं होता है, उस केस में ये पर्टिकुलर मेथड को यूज किया जाता है। अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड के बाद में सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड का नाम है एक्सपेरिमेंटेशन।
ना यहाँ पे रिसर्चर जो है वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते समय रिसर्चर जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में। उसी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से रिसर्चर जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एक स्कूल टीचर है, उनको ये फाइंड आउट करना है कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना इफेक्टिव है। तो उसके लिए वो टीचर्स क्या करेंगे, पहले ऑफलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे और बच्चों का टेस्ट लेंगे, फिर बाद में वो ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे और उनका टेस्ट कंडक्ट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे, और फिर ये दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करके यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि बच्चों के ऊपर ऑनलाइन टीचिंग का कितना इम्पैक्ट हो रहा है या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन करके जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। सेम तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बिजनेस रिसर्च के अंदर भी ये यूज किया जा सकता है। जैसे कोई एक मार्केटर है तो वो पहले अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करके देखेगा कि कितना डिमांड हो रहा है प्रोडक्ट के लिए, फिर वो प्राइस बढ़ा के देखेंगे कितना डिमांड हो रहा है, और उस हिसाब से फिर वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और अपना प्राइस जो है डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट मेथड है इसके एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट करके साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं है। दूसरा, ये जो मेथड है वो रिसर्चर को एकदम रिलायबल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और तीसरा यहाँ पे है कि ये मेथड जो है उसको यूज करके नए नए टेक्निक्स और नए नए मेथड जो होते हैं डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज टीचर को ये पता चला कि वो जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है वो बच्चों के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो टीचर वहां पे फिर क्या कर सकते हैं, नया टेक्निक या नया मेथड जो है वो टीचिंग के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेथड जो है नए नए टेक्निक्स और नए नए मेथड जो होते हैं वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला है, ये मेथड जो होता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज इसके अंदर काफी ज्यादा मनी इन्वॉल्व करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। दूसरा, ये मेथड जो होता है काफी ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसका रिजल्ट चेक करते हैं, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम भी जा रहा है और एफर्ट्स भी जा रहा है। एक्सपेरिमेंट मेथड के कौन से टाइप्स होते हैं? तो पहला है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रिसर्चर जो होते हैं मार्केट प्लेस में जाते हैं और मार्केट प्लेस में से वो अपना जो डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे वो लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो पार्टिसिपेंट को बताते नहीं है कि उनका पर्पस क्या है। वो ये ज्यादातर टेस्ट मार्केटिंग के लिए वगैरह यूज किया जाता है। टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि सैंपल जो होते हैं वो लोगों को दिए जाते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं वो फाइंड आउट किया जाता है। दूसरा है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। नाउ ये जो मेथड होता है एक्यूरेट होता है बट थोड़ा आर्टिफिशियल होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया जाता है और उनको प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है और उनको फिर उनके रिएक्शंस पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिसर्चर जो होता है वो अपने एक्सपेरिमेंटेशन का पर्पज जो होता है वो रिस्पोंडेंट को बताता है, तो उसकी वजह से शायद तक रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो कॉन्शियस हो सकते हैं, इसके लिए जो डेटा कलेक्ट किया है उसके अंदर थोड़ा बायसनेस हो सकता है। अभी हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच में। यहाँ पे रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट को चाहिए उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनके पास से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जा सकती है। नाउ किसका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, तो कंज्यूमर्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, जहाँ पे रिसर्चर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल या उनके प्रेफरेंसेस फाइंड आउट करना चाहता है। देन डीलर्स का यहाँ पे रिसर्च किया जा सकता है, जैसे होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, उनसे जाना जा सकता है कि कंज्यूमर क्या प्रीफर करते हैं, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा करते हैं, या जो भी कंपनी कमीशन इनको पे कर रही है रिटेलर को और होलसेलर को वो उनको सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीलर के द्वारा यहाँ पे कलेक्ट की जाती है। और फिर कंपनी जो है वो सप्लायर्स का भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। सप्लायर्स मतलब जो कंपनी को रॉ मटेरियल, मशीन्स या कंपोनेंट्स या जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सप्लाई करते हैं, तो उनके पास से भी कंपनी यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। नाउ ये जो इंटरव्यू मेथड है उसके एडवांटेजेस क्या है? तो पहला एडवांटेज ये है कि इंटरव्यू मेथड जो है वो रिसर्चर को डिटेल और रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता है, बिकॉज इंटरव्यू में रिसर्चर सिचुएशन के हिसाब से चाहिए उतने क्वेश्चन जो है वो रिस्पोंडेंट को पूछ सकता है और उनके पास से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और बिकॉज हम लोग खुद ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा काफी ज्यादा रिलायबल होता है। यहाँ पे रिसर्चर को अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रिस्पोंडेंट को पूछ सकते हैं और उनके पास से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इन द सेंस कि
सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। अगर रिस्पोंडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो उनको इजी टर्म में समझाया जा सकता है, तो काफी ज्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में पर्सनल टच भी होता है, बिकॉज फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो पर्सनल टच के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। और फिर बाद में इंटरव्यू लेते समय जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिस्पोंडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे रिसर्चर जो है वो हाइपोथेसिस फ्रेमिंग कर सकते हैं, और फिर वो हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस और डेटा जो है मैच कर रहा है कि नहीं। फिर बाद में इंटरव्यू मेथड के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ता है, देन कहीं पे बैठ के उनका इंटरव्यू लेना है, तो शायद तक उनको प्लेस वगैरह बुक करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, टाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, और फिर बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इंटरव्यू के अंदर वो पर्सन बोले जा रहा है और रिसर्चर उसमें के सारे पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर रहा है। फिर बाद में कौन सा इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेपर वर्क इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, और हर एक रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स जो है वो स्टडी करने के बाद में कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कंक्लूजन ड्रॉ करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बहुत ही कम समय में हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू होने की वजह से कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए काफी ज्यादा टाइम जाता है। फिर यहाँ पे रिस्पोंडेंट का बायसनेस हो सकता है, प्लस इंटरव्यूअर का बायसनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर जो है या इंटरव्यूअर जो है वो रिसर्चर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसको खुद के जजमेंट के हिसाब से नोट डाउन करता है, या कभी कभी क्या होता है कि रिस्पोंडेंट जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं देते हैं, और जिसके वजह से जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो इनएडिक्वेट या अनरिलायबल हो जाता है। और लास्ट में है यहाँ पे सैंपल साइज सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब लार्ज यूनिवर्स होता है या बहुत सारा पॉपुलेशन होता है, तो उसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, किसको सिलेक्ट करना चाहिए, ये जो होता है वो रिसर्चर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी इंटरव्यू के कौन से टाइप्स होते हैं, तो पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नाउ ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसके अंदर प्रीसेट स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पहले से ही क्वेश्चन जो होते हैं वो डिसाइड किए रहते हैं, और वो क्वेश्चन जो होते हैं रिस्पोंडेंट को पूछे जाते हैं और उनके पास से डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सब कुछ जो होता है प्रीप्लान्ड होता है कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नाउ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं होते हैं, कोई भी फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोसीजर वगैरह नहीं होता है, फ्रीली डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और वो रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट को पूछते हैं और रिस्पोंडेंट उसके आंसर करते हैं। और लास्ट में है मिक्स्ड इंटरव्यू, जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर और थोड़े से अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रीप्लान्ड रहते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सिचुएशन के बेसिस पे ऑन द स्पॉट बना के पूछे जाते हैं। फिर बाद में होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, यहाँ पे फोन किया जाता है जो भी रिस्पोंडेंट है उनको, और उनके पास से फोन के ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल और टाइम सेविंग होता है, बिकॉज यहाँ पे फोन के ऊपर ही डेटा कलेक्ट किया जाता है, कहीं पे भी ट्रैवल करने का जरूरत होता नहीं है। और लास्ट वाला है वीडियो इंटरव्यू, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और उनके पास से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद में नेक्स्ट मेथड है हमारा शेड्यूल्स। नाउ शेड्यूल्स क्या होता है, तो शेड्यूल्स एक तरीके के क्वेश्चनियर्स होते हैं, और वो क्वेश्चनियर के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि यहाँ पे इन्यूमरेटर्स जो होते हैं, इन्यूमरेटर मतलब क्या, जो रिसर्चर है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, या जो भी फील्ड स्टाफ है मतलब रिसर्च का डेटा कलेक्ट करने के लिए जिनको हमने अपॉइंट किया है, इनको इन्यूमरेटर बोलते हैं। और ये इन्यूमरेटर जो होते हैं वो यहाँ पे खुद क्वेश्चनियर भरते हैं, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उनको क्वेश्चनियर नहीं दिया जाता है, इन्यूमरेटर जो है वो रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जो आंसर आएगा वो वहां पे टिक किया जाता है, और ये इन्यूमरेटर जो होते हैं इनको स्पेशली क्वेश्चंस भरवाने के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। नाउ यहाँ पे अगर सपोज सामने जो रिस्पोंडेंट है उनको अगर कोई भी डिफिकल्टीज आती है या उनको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो होता है ये सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को उनको इजी टर्म्स में समझाया जाता है, उनको अगर कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पे इन्यूमरेटर जो है वो हर एक चीज जो होते हैं वो रिस्पोंडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद में उनके पास से डेटा कलेक्ट किया जाता है। नाउ ये जो मेथड होता है वो एक्सटेंसिव इंक्वायरीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब डिटेल में अगर कोई भी इंक्वायरी हमको जानना है, जैसे क्या प्रॉब्लम है,
या फिर उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानना है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जानना है या उनका एटीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है और इसका रिजल्ट जो होता है काफी ज्यादा रिलायबल होता है। लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, जिनको पेमेंट करना पड़ता है, प्लस उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसका भी कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और ये मेथड जो होता है वो ज्यादातर क्या करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज या जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इसको यूज करते हैं। हमारा जो इंडिया का सेंसस होता है उसमें शेड्यूल मेथड यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि वो जो इन्यूमरेटर्स आते हैं वो एक बड़े से क्वेश्चनर के साथ हमारे घर में आते हैं और फिर हमको वो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो टिक करते हैं। तो हमारा जो सेंसस होता है पॉपुलेशन का, उसके लिए शेड्यूल्स को ज्यादातर यूज किया जाता है। अभी शेड्यूल मेथड के क्या एडवांटेजेस है ना, पहला एडवांटेज ये है कि ये जो मेथड है ये काफी ज्यादा ऑनेस्ट और ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया है वो काफी ज्यादा वैलिड है, रिलायबल है और कंप्लीट है, क्योंकि जब हम लोग किसी को क्वेश्चनर हैंड ओवर करते तो ऐसा हो सकता है कि वो हमको प्रॉपर डेटा नहीं दे रहे हैं या आधा क्वेश्चनर भर रहे हैं, पर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, और पूरा जो क्वेश्चनर है उसके सारे क्वेश्चंस उनको हम लोग पूछ के उनके पास से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमको वैलिड, रिलायबल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करके देते हैं। यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होता है और जो भी फैक्ट्स है उसको वेरीफाई किया जा सकता है ऑन द स्पॉट, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे हम लोग पर्सनली वहां पे उनको मिल रहे हैं, तो हम लोग को जो चाहिए वो डिटेल में हम लोग उनको पूछ सकते हैं, अलग अलग तरीके से उनको पूछ सकते हैं, जिसके वजह से हमको ये पता चलेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट करके बार बार पूछ सकते हैं, जब भी हमको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट आता है कि ये बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे जो भी रिसर्चर है वो थोड़े से सेम क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में पूछेंगे, तो अगर वो सेम आंसर दे रहे इट मीन्स वो बराबर इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सपोज हर दम वो हमको अलग अलग आंसर दे रहे मीन्स वो हम लोग को प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे उसको ऑन द स्पॉट वेरीफाई किया जा सकता है। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के वजह से और चीजों को प्रॉपर वेरीफाई करने की वजह से हमारा जो रिसर्च वर्क होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और लास्ट वाला यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोगों को क्वेश्चनियर देते हैं तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी रहते नहीं था, हर एक जन अपने अपने हिसाब से क्वेश्चनियर को भरता है, इवन वो लोग टिक करते हैं तो टिक करने का उनका तरीका अलग होता है, या जो भी वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो उनको जो समझ में आता है क्वेश्चन उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्यूमरेटर खुद ही आंसर जो है वो रिस्पोंडेंट को पूछ के फिलअप कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, एक प्रॉपर पैटर्न में या स्टैंडर्ड पैटर्न में वो लोग वहां पे इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। नाउ ये शेड्यूल मेथड के डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बिकॉज यहाँ पे जो भी इन्यूमरेटर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है, फिर बाद में उनको सैलरी वगैरह पे करनी पड़ती है, इसके लिए जो स्मॉल फर्म्स है वो ये मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो भी इन्यूमरेटर्स है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इन्यूमरेटर जितने सिंसियर और ऑनेस्ट रहेंगे उतना वो रिसर्च का डेटा जो है प्रॉपर कलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो इन्यूमरेटर जो है वो डिसऑनेस्ट होते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही अपने हाथ से जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, बिकॉज उनको क्या करना है, उनका जो डेटा कलेक्शन का काम है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इन्यूमरेटर्स का ऑनेस्ट होना, सिंसियर होना और हार्डवर्किंग होना काफी ज्यादा जरूरी है। और लास्ट वाला है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स कभी कभी बायस हो सकते हैं, मतलब इन्यूमरेटर जब उनको क्वेश्चंस पूछते हैं तो शायद तक ऐसे हो सकता है कि वो उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शेड्यूल के बाद में नेक्स्ट प्राइमरी डेटा का मेथड है सर्वे मेथड। नाउ सर्वे मेथड जो होता है ये भी एक डेटा कलेक्शन का मेथड है, जहां पे जो भी लोग है या रिस्पोंडेंट से उनको क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके पास से जो भी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे भी एक फॉर्मल क्वेश्चनेयर जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेमोग्राफिक इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो सर्वे मेथड है डेटा कलेक्शन का, ये टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा चेंज होते गया है। पहले फेस टू फेस सर्वे किया जाता था, मतलब एक क्वेश्चनेयर जो होता था वो पेपर फॉर्म में लोगों को दिया जाता था और लोगों का ओपिनियन कलेक्ट किया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो टेलीफोन से सर्वे किया जाता है, देन ऑनलाइन सर्वेस किए जाते हैं या ईमेल के द्वारा यहाँ पे सर्वे किए जाते हैं और सर्वे करके यहाँ पे लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये जो सर्वे मेथड है इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे हम लोग को ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉसिबल होता है,
जैसे कि हमको किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फाइंड आउट करना है, उनका एटीट्यूड फाइंड आउट करना है, ओपिनियन, मोटिव्स, ये सब चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्वे मेथड यूज कर सकते हैं। फिर बाद में ये मेथड जो होता है काफी ज्यादा फास्ट होता है, काफी ज्यादा चीपर होता है, स्पेशली जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे हम लोग फास्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पर्टिकुलर चैनल के ऊपर कौन सा सीरियल ज्यादा अच्छा लगता है, या जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था, बिग बॉस जब होता था तो बिग बॉस के अंदर वो पूछते थे कि कौन सा पार्टिसिपेंट आपको अच्छा लगता है, या कौन से पार्टिसिपेंट जो है उसका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, या कोई भी रियलिटी शोज वगैरह होता है उसके अंदर भी सर्वे वगैरह करके लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, और उसके हिसाब से वो रियलिटी शो में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इविक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसकी वजह से डेटा कलेक्ट करना जो होता है काफी ज्यादा फास्ट और चीपर हो चुका है, और ये मेथड जो है काफी ज्यादा मैनेज करने के लिए सिंपल है, और यहाँ का डेटा जो होता है एकदम रिलायबल होता है। अभी ये जो सर्वे मेथड है इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे कभी कभी रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ओके, बिकॉज उनको वो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पर्सनल लगती है या उनको सेफ फील नहीं होता, इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। फिर बाद में कभी कभी क्या होता है कि रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनकी खुद की भी इनएबिलिटी होती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गाँव खेड़े होते हैं जहाँ पे अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होते हैं जिनके पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, उनको हम लोग के साथ कम्युनिकेशन करने को आता नहीं है, तो उस केस में डेटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे बायसनेस हो सकता है रिस्पोंडेंट का, रिस्पोंडेंट जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो शायद तक यहाँ पे प्रॉपर नहीं होती है। नाउ यहाँ पे काफी बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अलग पर्पज से क्वेश्चन पूछता है, और रिस्पोंडेंट जो होता है उसको अलग तरीके से इंटरप्रिट करता है, तो रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चन जिस तरीके से समझ में आया वो उसके हिसाब से उसका आंसर देता है, ओके? तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि रिसर्चर का जो पर्पस है वो क्वेश्चन पूछने का वो सर्व नहीं होता या वो फुलफिल नहीं होता है। रिसर्चर को जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो शायद वहां पे उसको नहीं मिल रही है, तो भले ही वहां पे रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया है लेकिन वो आंसर जो है वो रिसर्चर के हिसाब से नहीं है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। अभी हम लोग देखते हैं सर्वे मेथड के कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला है फेस टू फेस सर्वे। नो यहाँ पे क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है रिसर्चर जो होते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं और यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे डिटेल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके लिए रिसर्चर के पास शायद तक क्वेश्चनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा है टेलीफोन सर्वे। नो टेलीफोन सर्वे में क्या होता है कि जो भी रिसर्चर होता है वो रिस्पोंडेंट को कॉल करता है और उनको क्वेश्चन पूछ के उनके पास से डेटा कलेक्ट किया जाता है। नाउ ये जो मेथड है इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये मेथड जो है वो एडवांस कंट्रीज में जैसे कि यूएसए है वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीसरा मेथड है मेल सर्वे। नाउ यहाँ पे रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट को जो भी क्वेश्चनर है वो पोस्ट के थ्रू भेजता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो क्वेश्चनर फिलअप करके वापस से रिसर्चर को रिटर्न भेज दे। उसके लिए यहाँ पे रिसर्चर जो है वो पेड एनवेलप जो होता है वो उनको भेजता है ताकि रिस्पोंडेंट को यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चनर फिलअप करना है और पोस्ट के थ्रू वापस से वो रिसर्चर को भेजना है और उसके पास से कोई भी यहाँ पे पैसा जाएगा नहीं, बिकॉज पैसा इन्वॉल्व होगा तो अगेन यहाँ पे रिस्पोंडेंट क्या करेगा, आंसर्स देगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे रिसर्चर खुद ही क्या करता है, पेड एनवेलप जो होता है पोस्ट के थ्रू रिस्पोंडेंट को भेजता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो क्वेश्चनर को फिलअप करके वापस से रिसर्चर को भेज दे। और लास्ट होता है ईमेल सर्वे। तो आजकल क्या किया जाता है, ईमेल के ऊपर जो भी क्वेश्चनर है वो भेजा जाता है और उसके थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। ये काफी इजी मेथड है, इजी तरीके से यहाँ पे बिना ज्यादा टाइम और मनी एनर्जी वेस्ट किए डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे अलग अलग मेथड्स थे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। ये मेरी URL है जहां से मैंने ये क्वेश्चन के लिए इमेजेस कलेक्ट किए हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो प्राइमरी डेटा है उसके क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो पहला लिमिटेशन है मोर पेपर वर्क। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए काफी ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनर्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़ते हैं, या इवन यहाँ पे इंटरव्यूज जब होते हैं तो इंटरव्यू के अंदर जो भी रिसर्चर है उसको रिस्पोंडेंट ने क्या बोला वो नोट डाउन करना पड़ता है, या ऑब्जर्वेशन करते समय भी वहां पे रिसर्चर को नोट डाउन करना पड़ता है जो भी उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की। तो इसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा पेपर वर्क होता है और फिर बाद में वो डेटा जो होता है उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जिसमें एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ये सब चीजें करना पड़ता है। अभी ये एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन क्या होता है वो थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि यहाँ पे क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना पड़ता है डेटा कलेक्शन के लिए, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके वो रिस्पोंडेंट के पास से भरवाया जाता है और फिर बाद में वो डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है, और ये सब प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा पेपर वर्क होता है। लेकिन आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर के वजह से ये लिमिटेशन जो है वो कम हो चुका है, बिकॉज गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पे इजिली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है और एक्सेल के अंदर डेटा का प्रोसेसिंग जो है इजिली किया जा सकता है। तो जो पेपर वर्क यहाँ पे ज्यादा पहले इन्वॉल्व होता था वो अभी होता नहीं है। दूसरा है, ये मेथड काफी कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा कलेक्शन के लिए ट्रेन स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो स्टाफ को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, और डेटा प्रोसेसिंग के लिए अगेन यहाँ पे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो अगेन कॉस्ट में एड हो जाता है। तो बिकॉज यहाँ पे ट्रेन स्टाफ की जरूरत पड़ती है और स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, प्लस यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। थर्ड लिमिटेशन इज प्रॉब्लम ऑफ सैंपल डिजाइन। नाउ प्राइमरी डेटा के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना पड़ता है डेटा कलेक्शन पर्पस के लिए, और जो हम लोग सैंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मतलब क्या कि हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से हमने सैंपल को सिलेक्ट नहीं किया है, किसी रॉन्ग पर्सन को हमने यहाँ पे एज अ सैंपल सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सैंपल सिलेक्ट करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सैंपल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तब जाके वो रिसर्चर जो प्रॉपर सैंपल को सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि रिसर्चर ने गलती से गलत सैंपल को सिलेक्ट किया और उनके पास से डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो जब हम लोग रॉन्ग सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्शन रॉन्ग होता है और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो होता है वो भी रॉन्ग होता है। तो ये यहाँ पे लिमिटेशन है कि सैंपल सिलेक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। नाउ प्राइमरी डेटा जो होता है इसको कलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड डेटा को प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग करना मतलब एडिटिंग करना, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन करना, उसके बाद में वो डेटा का एनालिसिस किया जाता है और फाइनली उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम जाता है, और टाइम जाने की वजह से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होता है काफी ज्यादा डिले हो जाता है, और अगर टाइम पे हम लोग ने डिसीजन नहीं लिया तो उसके वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो सकती है, स्पेशली जब हम लोग बिजनेस के लिए रिसर्च करते हैं तभी। तो प्राइमरी डेटा काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट वन इज बायसनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट्स है वो यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उन्होंने जो प्रोवाइड किया हुआ इन्फॉर्मेशन है वो शायद तक ट्रू नहीं है, फेक इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। काफी बार रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो डर जाते हैं या वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उसकी वजह से वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि किसी की सैलरी हमको जाननी है, किसी के इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हमको सिर्फ रिसर्च के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है वो उसको देने के लिए रेडी नहीं होता है और कभी कभी वो हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अभी ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए रिसर्चर ने वो क्वेश्चंस को प्रॉपरली फ्रेम करना चाहिए, प्लस रिसर्चर के पास प्रॉपर एक्सपर्टीज होना चाहिए कि ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग को किसी की सैलरी पूछनी है तो डायरेक्टली सैलरी नहीं पूछेंगे, हम लोग ब्रैकेट्स बनाएंगे, जैसे 15,000 टू 20,000 या 20,000 टू 25,000, 25,000 टू 30,000, इस तरीके से ब्रैकेट हम लोग पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग वैसे ही ब्रैकेट्स बना सकते हैं, उनके पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसर्चर अपना एक्सपर्टीज यूज करके क्वेश्चंस को प्रॉपर फ्रेम कर सकता है और उसके द्वारा वो रिस्पोंडेंट के पास से बिना बायसनेस के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन हो सकता है कि रिसर्चर का भी बायसनेस हो सकता है, मतलब यहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, खुद ही वो सारे क्वेश्चनेयर्स फिलअप करते हैं या फिर उनको जो आंसर चाहिए वो वहां पे फिलअप करते हैं। नाउ रिसर्चर बायस कब होते हैं, तो स्पेशली जब भी फील्ड स्टाफ जो होते हैं वो रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है या उनको प्रॉपर मोटिवेट नहीं किया गया, तो उसके वजह से वो बायसनेस दिखाते हैं और खुद से वो क्वेश्चनर को फिलअप करते हैं या उनको जैसा डेटा चाहिए वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्च एजेंसी है उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने स्टाफ को प्रॉपरली मोटिवेट करना चाहिए, उनको जो भी इंसेंटिव वगैरह है वो प्रॉपर पे करना चाहिए, ताकि वो हार्डवर्क करके एकदम रिगरसली डेटा कलेक्ट करके लाएंगे और उसके वजह से हमारे रिसर्च का क्वालिटी जो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मतलब जो भी प्राइमरी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। प्रोसेसिंग के अंदर एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ये सब करना पड़ता है।
अभी जब भी एडिटिंग होता है तो दो या दो से ज्यादा लोग जब एडिटिंग करते हैं तो वहां पे अलग अलग जन अलग अलग हिसाब से एडिटिंग करेंगे, जिसके वजह से रिसर्च का जो क्वालिटी वो अफेक्ट हो सकता है। जैसे कुछ लोग जो है वो एडिट करते समय अगर सपोज आधा क्वेश्चन भरा हुआ है तो आधा क्वेश्चन खुद ही फिलअप करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आधा क्वेश्चन है तो उसको वो साइड में रख देंगे या उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको फाड़ के फेंक देंगे। तो हर एक का एडिट करने का तरीका जो है अलग अलग होता है, तो वो रिसर्च की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा, यहाँ पे जो कोडिंग किया जाता है उसमें कुछ एरर हो सकता है, क्लासिफिकेशन में एरर हो सकता है, इवन टैबुलेशन प्रॉपरली नहीं किया जाता है, तो उसकी वजह से भी रिसर्च की क्वालिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है। तो आप लोग जब भी डेटा को प्रोसेसिंग करोगे तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या कभी कभी कोडिंग जो दिया गया है या टैबुलेशन जो किया है वो गलत हो सकता है। तो हम लोग जब यहाँ पे गलत तरीके से डेटा को प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा रिसर्च का क्वालिटी जो अफेक्ट होता है। इवन हम लोग कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के अंदर जब ये डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, और स्पेशली ये कब होता है जब हमारा डेटा काफी ज्यादा लेंदी होता है। तो प्राइमरी डेटा जो होता है उसको कंपल्सरीली प्रोसेसिंग करना पड़ता है, प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो रिसर्च की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, मतलब कि कभी कभी इलिटरेट लोग या कुछ लिटरेट लोग भी होते हैं जो डेटा देने के लिए बिल्कुल भी रेडी होते नहीं है, तो उसकी वजह से रिसर्चर को यहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइमरी डेटा। ये मेरी URL है जहां से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इमेजेस लिए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।